हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चावल यानी राइस के बारे में। यानी क्या राइस खाने से आपका वज़न बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका वज़न राइस खाने के बाद भी न बढ़े। यानी कैसे आप राइस खाते हुए भी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकें। आज का ये वीडियो देखकर न केवल आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए भी आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या वाइट राइस खाने से आपका वज़न बढ़ सकता है? तो इसका जवाब दोनों है, यानी हाँ भी और नहीं भी। यानी अगर आप गलत तरीके से वाइट राइस खाएंगे तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोर्शन साइज, यानी आप एट ए टाइम कितना राइस खाते हैं। फ्रेंड्स, आप मान सकते हैं कि एक बोल पके हुए राइस यानी लगभग 200 ग्राम राइस में दो रोटियों के बराबर यानी लगभग 200 कैलोरीज होती है। यानी अगर आप लंच में केवल एक रोटी लेते थे और उस एक रोटी के स्थान पर आप अगर चावल लेना चाहें तो आपको हाफ बोल यानी लगभग 100 ग्राम कुक्ड राइस लेना चाहिए। इसके अलावा हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि आपको हाफ बोल से लेकर एक बोल तक ही वाइट राइस एट ए टाइम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, राइस बेसिकली कार्ब्स का मेन सोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करता है, और वज़न बढ़ाने में कार्ब्स का मेन रोल होता है, इसलिए आपको अपने कार्ब्स इनटेक लिमिट करने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप मील लें तो आपको प्लेट का 1/4 हिस्सा ही राइस का रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी प्लेट लेनी चाहिए जिसका 1/4 हिस्सा आप वाइट राइस ले सकते हैं। बचे हुए 1/4 हिस्से में आपको लेना चाहिए प्रोटीन बेस्ड कोई भी फूड आइटम, जैसे दाल, चना, राजमा या कोई भी नॉन वेज आइटम आप यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद बचे हुए 1/4 हिस्से में आपको लेना चाहिए सब्जियाँ। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको एंडी लिस्ट बताई थी, उसके हिसाब से आप अधिक न्यूट्रिएंट वाली सब्जियों का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद के बचे हुए 1/4 हिस्से में आपको लेना चाहिए सैलेड्स। इन सैलेड्स और सब्जियों में मौजूद फाइबर आपकी भूख को काफ़ी देर तक शांत रखेगा और आपके फूड का एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे होने देगा। इसी प्रकार दाल, चना या नॉनवेज आइटम में मौजूद प्रोटीन भी आपके इस मील का GI इंडेक्स को काफ़ी कम बना देगा, फूड का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा और आपका इंसुलिन स्पाइक भी ज़्यादा नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके मील में कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहे और प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी अगर कम रहे तो इसका GI इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक भी आपका ज़्यादा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है, इसलिए आपको हर मील में राइस या चावल के साथ उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक भी सुनिश्चित करना चाहिए, और साथ ही साथ कार्ब्स की क्वांटिटी भी काफ़ी लिमिटेड रखनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने मील में किसी भी प्रकार के अच्छे प्रोबायोटिक्स यानी दही या दही बेस्ड आइटम जैसे छाछ या रायते का प्रयोग भी करना चाहिए। यह भी आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा और अच्छे डाइजेशन होने की वजह से आप अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 1 टीस्पून घी भी अपने राइस में मिलाकर आप राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हैं, इससे भी इसका इंसुलिन स्पाइक होना काफ़ी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिनर में आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी पहला तो आपको जल्द से जल्द अपना डिनर कर लेना चाहिए, यानी सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक आपको डिनर अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए, और दूसरा आपको डिनर में कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, उसमें से भी आपको कार्ब्स कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। यानी अगर आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको डिनर में या तो बिल्कुल भी राइस नहीं लेना चाहिए या हाफ बोल से ज़्यादा राइस आपको नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि डिनर के बाद वैसे भी आप कोई बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने जा नहीं रहे हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज खर्च करना नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राइस एक कार्ब्स का मेन सोर्स है, जिसका काम ही होता है केवल आपको एनर्जी प्रदान करना। तो अगर आपके शरीर में एक्सेस एनर्जी बच जाएगी तो उसे शरीर फैट में कन्वर्ट करके जमा कर देगा, इसलिए आपको कम से कम कार्ब सोर्स डिनर में लेने चाहिए। एक अच्छे वेट लॉस के लिए आप कभी भी राइस बेस्ड मील लेने के बाद डेजर्ट या स्वीट्स
न लें। ऐसा करके भी आप इंसुलिन स्पाइक को इनवाइट करेंगे जिससे आपका फैट गेन होगा। तो फ्रेंड्स आप जानना चाहेंगे कि अगर मैं स्वीट्स मील के बाद न लूं तो उसे कब लेना चाहिए। वैसे तो एक अच्छे वेट लॉस रिजल्ट के लिए आपको स्वीट्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप कभी कभार स्वीट्स लेना चाहें तो उसे आप दो मील्स के बीच वाले समय में ले सकते हैं। अगर आप राइस बेस्ड मील लेने के 10 से 20 मिनट पहले एप्पल साइडर विनीगर ले लें तो ये भी आपके फूड से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, इसलिए इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होता है। ऐसा करने के लिए आपको एक ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनीगर विथ मदर लेना चाहिए। एक टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर को आप एक ग्लास पानी में घोलकर इसे पी सकते हैं। या एक दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आप सैलेड ले रहे हैं उसमें आप एक टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर डाल लें। ऐसा करके आप अपनी मील की टोटल ग्लाइसेमिक लोड को काफ़ी कम कर सकते हैं। राइस खाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए अगर आप अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट चाहते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब हुआ कि आप टीवी या मोबाइल जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे और अपने फूड को ध्यान देकर यानी चबा चबा कर खाएंगे। इससे आपको दो फायदे होंगे कि पहला आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और दूसरा आपको समय से अपने पेट भरे होने का एहसास हो जाएगा और आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। और ये दोनों ही बातें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स छोटे छोटे दाने वाले राइस जैसे जैस्मिन राइस या ऐसे राइस जो पकने के बाद जिनके दाने आपस में चिपक जाते हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे राइस में एमिलोपेक्टिन स्टार्च ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसका GI कंपेरेटिवली हाई होता है। जबकि ऐसे राइस जिनके पकने के बाद उनके दाने अलग अलग होते हैं उनमें एमिलोस स्टार्च ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनका GI भी काफ़ी कम होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कम GI वाला राइस खाना वेट लॉस के लिए बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एक बोल या हाफ बोल से ज़्यादा राइस नहीं खाना चाहिए, और हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि मैं तो इससे भी ज़्यादा राइस खाता हूँ और उसके बावजूद भी मुझे भूख लगती है, तो मैं ऐसा कैसे कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको समझना होगा कि जब आप गलत तरीके से ज़्यादा राइस खाते हैं तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं आपका तुरंत इंसुलिन स्पाइक होता है। और चूँकि ये रिफाइंड कार्ब्स होते हैं इसलिए बहुत जल्दी ही ये इंसुलिन वापस क्रैश होता है, लेकिन आपका शरीर दोबारा वही खुशी पाना चाहता है जो इंसुलिन स्पाइक होने से उसे कुछ देर पहले मिली थी, इसलिए आपका ब्रेन उसे तुरंत भूखे होने का एहसास कराता है ताकि आप वही चीज़ दोबारा रिपीट करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप इंसुलिन के दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जो कि आपके वेट गेन का सबसे प्राइम रीज़न बनता है। और अगर आप केवल इस एक पॉइंट को ही अच्छी तरह से समझ जाएं और इस दुष्चक्र से बाहर आ जाएं तो आप बहुत ही आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यानी आपको वाइट राइस कम से कम यानी लिमिटेड अमाउंट में खाना है। फ्रेंड्स आपको जानकर खुशी होगी कि वाइट राइस का वेट गेन से कोई संबंध नहीं होता है। ये केवल उसका पोर्शन साइज ही है। जब आप एक्सेस में वाइट राइस कंज्यूम करते हो तभी आपका वेट गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कई एशियन कंट्रीज में जैसे कोरिया, चाइना और जापान में राइस उनका मेन स्टेपल फूड आइटम होता है, और इन कंट्रीज में ओबेसिटी की कोई समस्या भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट राइस का सेवन करेंगे तो आपका वज़न भी ज़रूर बढ़ेगा। फ्रेंड्स एक बात और लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाइट राइस के स्थान पर हमें ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है कई बातों पर। यानी सबसे पहले तो आपको मैंने अब तक जो बातें बताई है उनको आजमाना चाहिए, और अगर आपको उनसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आपको ब्राउन राइस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन टिप्स को आजमाने के बाद भी आपको रिजल्ट न मिलें तो ही आपको केवल ब्राउन राइस का प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मली इसका प्रयोग टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को करना चाहिए, और उन्हें करना चाहिए जिन्हें PCOS या PCOD की प्रॉब्लम है, यानी जिनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। इसके अलावा मील के पहले या बाद में आप ग्रीन कॉफ़ी का सेवन भी कर सकते हैं जो कि आपके वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड्स चाहे आप अच्छे क्वालिटी का ग्रीन कॉफ़ी लेना चाहें
या एप्पल साइडर विनीगर या वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपको विजिट करना चाहिए मेरा वेट लॉस स्टोर, जहां से आप वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अगर जल्द से जल्द अपना वेट लॉस करना चाहें तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके देखना चाहिए इसका मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे ध्यान से देखकर समझकर और फॉलो करके आप भी बहुत जल्द वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में जल्द से जल्द बिना गलती किए अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।